वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो आप सबको आज की शबे बारात बहुत बहुत मुबारक हो। तो बस मेरी तरफ से आप सबको जो भी मेरे से गलती खता हुई हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, और अल्लाह ताला से भी बेशुमार हमको आज की रात बहुत ज़्यादा इबादत में गुजारनी चाहिए। आज की रात में हमारी रिज़्क, रोज़ी, उम्र और पूरे साल के जो हमारे नसीब है वो लिखे जाते हैं। तो आज की रात बहुत बरकत वाली रात है। आज की रात बिल्कुल भी मतलब ऐसे वेस्ट ना करें, बस पूरी रात इबादत करें, जितनी हो सके उतनी इबादत करें, और बस अस्तगफार पढ़े। क्योंकि अस्तगफार एक ऐसा लफ्ज़ है जब अल्लाह ताला हम मरते वक्त भी पढ़ेंगे ना, तो अल्लाह ताला हमको उस वक्त भी माफ़ फरमाएंगे। आमीन आमीन। तो बस आज का व्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ना मैंने सुबह में जो कुछ भी फातिहा के लिए बनाया तो मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई, क्योंकि ना मैंने अभी घर की सफाई की तो पूरा मेरा जो ट्राईपॉड है मतलब मुझसे ना गुम हो गया। सुबह में उठने के साथ इतना चेक किया, इतना ढूंढा, यहाँ ढूंढा, वहाँ ढूंढा, पता नहीं कहाँ पर रख दिया। उस पर ना मैं फ़ोन सेट कर देती हूँ, तो मैं जो कुछ भी मतलब बनाती हूँ ना तो वो मैं ईज़िली बता सकती हूँ, तो मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हो गई। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग तो स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30, तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो जो जो हमसे होगा वो आपको बताएंगे। तो चलो बस आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और बने रहिए मेरे व्लॉग में। अच्छा लगे तो बस लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो चलते हैं व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में, और जो मैंने सुबह में सब कुछ फातिहा के लिए बनाया था, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चिकन का सालन बना लिया था, और ये हम बनाते हैं करम्बा। तो उसके लिए मैंने जो राइस है उसको बॉईल कर लिए थे। और कौन कौन करम्बा बनाता है हमको ज़रूर बताएगा। और यहाँ पर देखिए अब मैं बनाऊँगी सेवैयाँ, और यहाँ पर मेरे पास है चारोली और दराक्स, और ये है सेवैयों का पैकेट जो कि मुझे बनानी है। तो अभी मैं नॉन स्टिक की फ्राई चढ़ाई है, उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैंने घी ऐड किया है। अब मैं सेवैयों को अच्छे से क्रश करके इसमें ऐड कर दूंगी। उसको अच्छे से तोड़कर आप उसमें ऐड कीजिएगा, तो आपको उसको मिक्स करने में आसानी रहेगी। यहाँ पर सेवैयों का कलर भी चेंज हो चुका है, और उसकी क्वान्टिटी भी काफ़ी कम हो चुकी है, यानी कि जो सेवैयाँ हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो देखिए अब मैं उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी ताकि अच्छे से हमारी सेवैयाँ सॉफ़्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैं पानी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हमारी गैस की जो फ्लेम है वो मीडियम ही रखनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने पानी ऐड कर दिया है, और मुझे ट्राईपॉड के बिना सूट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं अब उसमें क्या करूँगी, चीनी ऐड करूँगी। यहाँ पर चीनी ऐड करने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लिया था, चीनी भी मेल्ट हो गई थी, और अभी भी थोड़ा सा पानी दिख रहा है। तो अभी हमारी सेवैयाँ रेडी नहीं है, उसको और पकने देंगे, और उसके बाद जब जो घी है वो ऊपर आ जाएगा तो समझ लेना हमारी जो सेवैयाँ हैं वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो हम थोड़ी देर बाद उसको चेक करेंगे। तो देखिए अभी मैंने चेक किया तो सेवैयाँ काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब मैं उस पर जो चारोली और दराक्स है वो ऐड कर देती हूँ, तो ये हमारी सेवैयाँ रेडी हो चुकी है। तो अब आता है हमारा इवनिंग टाइम, यानी कि सारी तैयारियों का टाइम। यहाँ पर जो मैंने राइस को बॉईल करके रखा था, तो अब मैं करूँगी करम्बा बनाने की तैयारी। तो आप भी देखिए कि हम करम्बा कैसे बनाते हैं। करम्बा बनाने के लिए हमको चाहिए बॉईल किए हुए राइस, इसमें नमक वगैरह ऐड ना करें। तो यहाँ पर मैंने जो गुड़ होता है उसको क्रश करके उसमें ऐड किया था। मैंने गुड़ को तोड़ा नहीं क्योंकि टाइम इतना मेरे पास था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं गुड़ को क्रश कर लेती हूँ, और काफ़ी क्वांटिटी में मैंने गुड़ को क्रश करके उसमें ऐड किया था। और यहाँ पर मैं घी ऐड कर लेती हूँ। घी आपको आपके हिसाब से भी ऐड कर सकते हो, आपको थोड़ा ड्राई चाहिए तो ड्राई, और आपको अगर थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा गीला गीला चाहिए मतलब इस तरह से भी आप बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा कर्ड ऐड किया, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। यहाँ पर हमारा सब कुछ रेडी है, देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारी इकरा भी रेडी हो चुकी है, देखो इकरा को। इकरा अस्सलाम वालेकुम बोलो। तो इकरा ने अभी देखो उसकी नानी ना सऊदी से लाए थे ये वाली वॉच और ब्रेसलेट, तो इकरा को मैंने आज यही पहना दिया है। और मैं बाकी की शॉपिंग का व्लॉग भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये वाला मैंने इकरा को आज पहनाया है, तो देखो इकरा को ये वाला ड्रेस पहनाया है, और अच्छी से उसकी आज हेयर स्टाइल भी की है, और बस इकरा बहुत अच्छी लग रही है। अभी इकरा उसके पापा के साथ जाएगी बाहर घूमने के लिए ना इकरा। तो मैंने तो अभी ये पुराना वाला ही ड्रेस पहना है,
ये मैंने 11वीं शरीफ में पहना था। अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा तो ये 11वीं शरीफ वाला ही ड्रेस है जो कि मैंने ये दोबारा से उसको वेयर किया है। और बस अभी आएंगे, मौलाना को बुलाए है तो वो आएंगे और फातिहा देंगे इंशाल्लाह से। तो बाकी का मैं व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, तब तक के लिए मेरे व्लॉग पर बने रहिए। الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اللهم اصلح لنا صدورنا وقلنا الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل كرم سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الصلاة والسلام عليك صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمن الرحيم چار قرآن مقدس کی تلاوت کی گئی اور میرے مالک چار لاکھ مرتبہ درود شریف بھی پڑھی گئی میرے مالک اور ابھی ابھی فاتحہ شریف بھی پڑھی گئی تمام ذکر اذکار تبرکات نذر نیاز کو اپنی بارگاہ عالی میں مقبول قبول فرما اس کا ثواب اس کا اجر میرے مالک ہم تمام لوگوں کو ضرور بھی ضرور عطا فرمانے والے لیکن پہلے ہمارا پائے کریم اوف رحیم رحمہ قلب سینا حضور رحمت مجتبا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں اس کا ثواب اجر کرتے ہیں مقبول قبول فرما ان کا صدقہ تو فعل تمام انبیاء کرام تمام خلفاء راشدین تمام صحابہ صحابی عطا بین تبدا بین کرام ائمہ مسلمین کرام ازواج مطہرات ان عطا تمام حضور سیدنا مولا حسن مولا حسین حضور سیدنا غوث نام استغفر حضور سیدنا قاضی غیر نواز حضور سیدنا سید علی مراد عطا رحمت اللہ تعالی علی امام مزو شہید رحمت اللہ تعالی علی راستے مجان دادی مجان تمام مجان کے جملہ تمام کو میرے قبل خان دونوں لوگ کی بارگاہ عالی اس کا شان ذکر کرتے ہیں مقبول قبول فرما بالخصوص میرے مالک ان تمام ذکر اس کا تبرکات نزولیاں کا ثواب میرے مالک مرحوم سید سیدہ میاں باپو کی روح کو نذر کرتے ہیں مقبول قبول فرما اور مرحومہ سیدہ شبنہ بیوی کی روح کو نذر کرتے ہیں مقبول قبول فرما ان تمام ذکر اذکار کے برکت سے اور تلاوت قرآن مقدس اور درود شریف کے صدقہ فعل سے اور میرے مالک حضور سیدنا سیدنا میرا داتا رحمت اللہ تعالی علیہ کی قربت کی نسبت سے میرے مالک ان کی بھی حساب مغفرت فرما بخشیس فرما رحم فرما کرم فرما مہربانی عطا فرما اور اپنا خاص فضل نصیب فرما اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ بلند ترین مقام عطا فرما اور اس گھر کے اندر میرے مولا بے پناہ برکت عطا فرما رحمت عطا فرما نعمت عطا فرما سہولت عطا فرما عظمت عطا فرما رفعت عطا فرما اور اس گھر کے تمام پریشانی مصیبت کو دور فرما اس گھر میں چین سکون کی زندگی نصیب فرما آمین آمین یا رب العالمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد الصلاة والسلام عليك يا الله صلى الله عليه وسلم بفضل كرم سبحان ربي رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين तो फाइनली यहाँ पर फातिहा वगैरह हो गया है तो चलो हम कुछ खा लेते हैं। वैसे तो मैंने और इकरा के पापा ने खा लिया है तो यहाँ पर मैं सेवैयाँ खाती हूँ और बस नमाज़ वगैरह अदा हो गई है मेरी। अब रात में नमाज़ पढ़ेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो वैसे तो नमाज़ तो मैं व्लॉग में नहीं दिखाती क्योंकि वो शो ऑफ हो जाता है नमाज़ वगैरह दिखाना।
और सेवइयाँ काफ़ी अच्छी बन रही हैं माशाल्लाह से। और इकरा को भी खिला देती हूँ, इकरा इधर। तो बस आज का व्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ। आई होप आपको ये प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वैसे अच्छे अच्छे व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलो चलते हैं, नेक्स्ट व्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।